बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पीटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। 18,000 फीट ऊंचे लद्दाख के पहाड़ों में चीन की सीमा से लगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सैनिक लगातार एक घातक दुश्मन का सामना कर रहे जो हटने का नाम नहीं लेता। मजबूरन हमारे शूरवीर सिपाही भयंकर ठंड में फंसे पड़े हैं, जहां ऑक्सीजन की कमी और भी जानलेवा हो सकती। हमारे योद्धाओं में से 7,296 को ले अस्पताल में भर्ती करना पड़ा सांस लेने में मुश्किल और ठंड काटने की वजह से। बस दो साल में जून 2020 में पहले गलवान मुठभेड़ के बाद से रिसर्च से पता चला कि इन वातावरणों में जितनी ज्यादा उम्र होती है उतनी ही ज्यादा मुश्किल पड़ती है, और 60% से ज्यादा हमारे भारतीय सैनिक 30 वर्ष के ऊपर के हैं। तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि बाकी देश अपने सैनिकों की औसत उम्र 25 से 27 के बीच रखते हैं। यही लक्ष्य पाने के लिए अग्निवीर प्रोग्राम बनाया गया जो भारतीय सेना की औसत आयु को घटाकर 26 कर देगा अगले 6 से 7 वर्षों में। अग्निवीर का दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य है इस युवा सेना को बेहतर और आधुनिक हथियार देना, ताकि वो एक साथ दो युद्ध लड़ने के काबिल बने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ। इन दोनों मकसदों को कैसे पूरा किया जाए भारत के वित्तीय स्थिति को बिना दबाव में लाए, ये दिमाग की उपज थी दिवंगत डिफेंस चीफ जनरल बिपिन रावत की। सज्जनों, हमारे रक्षा बजट का इस्तेमाल ढंग से नहीं हो रहा। पिछले एक दशक में वेतन और पेंशन के खर्चों में 4 गुना बढ़ोतरी हुई, वहीं आधुनिक हथियारों पर सिर्फ 2 गुना। इस साल के $67 बिलियन बजट में से सिर्फ 27.4% इस पर खर्चने के लिए दिया गया, जबकि इसका 2 गुना वेतन और पेंशन के लिए आवंटित है। और सेना का बजट तो और भी बदतर है, जिसे रक्षा बजट का सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है 58%। वहाँ आधुनिक हथियारों पर खर्चा सिर्फ 8% है, क्योंकि ज्यादातर 76% वेतन और पेंशन निगल लेता है। भारत ने हाल ही में लड़ाकू विमान खरीदे जैसे राफेल, एयरक्राफ्ट कैरियर, प्रेडेटर ड्रोन, जो वायुसेना और नौसेना की जरूरत है, जबकि सेना को तो केवल एक ही बड़ा हथियार मिला, रूस से S-400। पेंशन का खर्चा और फूलता गया 2014 में ORP के बाद वन रैंक वन पेंशन स्कीम जब लागू हुआ, जिसके चलते 34 लाख पूर्व सैनिकों को उतना ही पेंशन मिला जैसे वो आज रिटायर हुए हो, चाहे वो क्यों ना 25 साल पहले सेवानिवृत्त हुए थे। उदाहरण के लिए, यदि 17 साल की सामान्य सेवा करके एक सैनिक 2006 के वेतन बढ़ने से पहले रिटायर हुआ तो उसे कम पेंशन मिला हुआ होगा, और जो उसके बाद रिटायर हुआ जाहिर तौर पर उन्हें ज्यादा मिला। ORP उनकी पेंशन को बराबर ला दिया। इसलिए इस बजट के बंटवारे को पलटने के लिए कुछ करना जरूरी था, नहीं तो आने वाले समय में पूरा ही वेतन और पेंशन में चला जाता। एक उपाय था रक्षा बजट को GDP के 2% से बढ़ाकर 3% करना, लेकिन सरकार पहले से GDP का 6.7% वित्तीय घाटे में फंसा हुआ है। इसलिए अग्निवीर, जो भविष्य में पेंशन खर्च कम करवाएगा, हर साल 50,000 भर्तियों में से बेस्ट 25% रख के और बाकी 75% वापस सिविलियन जिंदगी में भेजकर, ऐसा करने से वे हर सैनिक पर 1 करोड़ का पेंशन बचाएगा, या जीवन भर में 37,500 करोड़, वो भी सिर्फ 2022-23 बैच के अग्निवीरों से। अमेरिका जैसा रईस देश भी अपने 80% सैनिकों को बिना पेंशन के रिटायर करता है। चीन भी अपने 4.5 लाख सालाना भर्तियों में से ज्यादातर की छटनी करता है सिर्फ 2 साल की सेवा के बाद। इसलिए वे अन्य बड़ी सेनाओं और हमारे पड़ोसों की तरह सैलरी और पेंशन पर बहाए जा रहे खर्चों को काबू में रखते हैं। पेंशन पर बचाए गए पैसे को अब अग्निवीरों के दूसरे बड़े लक्ष्य टेक्नोलॉजी और हथियारों को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सिपाही की ताकत से आज के जमाने में ज्यादा जरूरी होते जा रहे हैं, क्योंकि युद्ध अब हाईटेक हो चुका। टूथ टू टेल अनुपात सेना में एक व्यापक मुहावरा को काम करके, टेल यानी जो सैनिक पीछे से सहारा देते हैं टूथ को जो फ्रंट लाइन पर लड़ता है, इससे अगले दशक में कम से कम 2 से 3 लाख सैनिक छटेंगे सेना की ताकत को हाथ लगाए बिना। चीन की सेना पहले की तुलना में आज और मजबूत है, भले ही 30 साल पहले वो इसे 40 लाख से 9,80,000 तक घटा दिया। इसकी वजह से वो अपने भयानक $252 बिलियन का रक्षा बजट का लगभग आधा खर्च मॉडर्न हथियारों पर कर पाए। हालांकि अचानक से ऐलान किए गए अग्निवीरों की नई नीति ने कई युवाओं के सेना में करियर बनाने के सपने को खतरे में डाल दिया, खासकर जो पहले ही फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास कर चुके थे
और लिखित परीक्षा के इंतजार में थे, जो पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से नहीं हो पाया। आर्मी कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे कि जो अलुवा सुब्बाराव, सेना का एक रिटायर्ड मेडिकल असिस्टेंट जो आंध्र और तेलंगाना में कई सेंटर चला रहे थे, उसे डर था कि कहीं उनका बिजनेस चौपट ना हो जाए। और कथित तौर से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हमले का मास्टरमाइंड था। देश भर में उपद्रव ऐसा फैला कि 60 ट्रेनों को जलाकर 700 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। दबाव में आकर सरकार एक अच्छे फेर बदल में उन उम्मीदवारों को भी अग्निवीर के पहले बैच में आने की हां कर दी, जो लिखित परीक्षा देने के इंतजार में 21 से ज्यादा हो गए थे। और कहीं अर्धसैनिक बल जैसे CRPF, कोस्ट गार्ड आदि में 10% आरक्षण का वादा किया। उद्योग जगत के दिग्गजों ने भी इसका समर्थन करने का वादा किया उन अग्निवीरों को, जो वापस सिविलियन समाज में लौट आएंगे। एक्स अग्निवीरों के लिए 18 लाख रुपए तक का लोन लेना भी आसान किया, सेवा निधि के सिर्फ 5.2 लाख रुपए कोलेट्रल देकर। हालांकि जो अग्निवीर जिसे आर्मी में नहीं लिया गया, उन्हें 4 साल की सेवा के बाद 11.71 लाख टैक्स फ्री राशि तो मिलेगी ही, साथ ही जो कुछ भी वो अपने मासिक वेतन से बचा पाए। बताओ कहां भारत में कोई 21 साल का कॉलेज पास आउट इतना पैसा कमा सकता। पर ड्राइंग रूम में बैठे आलोचकों ने दूसरी कमियों को उंगली की, खास करके सिविलियन जिंदगी में उनकी वापसी पर। अगर उन्हें नौकरी नहीं मिलती तो क्या वे समाज के लिए खतरा नहीं होंगे? कि जाट, सिख, राजपूत, डोगरा और गोरखा अरसे से चले आए जान की बाजी लगाने वाले रेजिमेंट, एक परंपरा जो 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों के लॉर्ड रॉबर्ट द्वारा शुरू की गई, कि उसे धीरे धीरे हटाने से हौसला कम होगा, पर सेना एक ऑल इंडिया ऑल क्लास रेजिमेंट चाहती है। वैसे सेना ने मामला शांत करने के लिए माना कि बदलाव हो सकते हैं, ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह है, लेकिन निश्चित समय सीमा के साथ, फिर भी 4 से 5 साल बाद बदलाव का सोच सकते हैं। क्या अग्निवीरों के सेवा समय को 5 से 7 वर्ष तक बढ़ाने की उम्मीद है, जैसे कि कई कमेटियों द्वारा सुझाया गया? मुश्किल है, क्योंकि वे जितने लंबे समय तक सेना में रहेंगे उनके लिए सिविलियन जिंदगी में लौट कर एडजस्ट करना उतना ही कठिन होगा। हालांकि इससे पहले ऑफिसर्स के साथ सेना का कम समय सीमा का अनुभव ज्यादा सफल नहीं रहा। जो पहले सिर्फ 5 साल की सेवा में शुरू हुआ था, उसे 2006 में 10 साल तक बढ़ाया गया और यहाँ तक कि 14 साल तक बढ़ाने का ऑप्शन भी दिया, जिससे इस योजना का मतलब नहीं रहा। लेकिन इस बार सामने खुलेआम खतरा मंडरा रहा है और भारत की सेनाएं इसे हल्के में नहीं ले सकती। बिस्बो की शायरी। अग्निवीर युवा जोशीले, ले हाथों पर जान, डट जाएंगे सीमा पर वो अपना सीना तान। कुछ लोगों को नहीं भा रहे नई नीति के रंग, शुरू हो गई है विरोध की देश के अंदर जंग। बिस्बो कहता युवा सिपाही, और नए हथियार, नए समय में देश की रक्षा का ये है आधार। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।